पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज फोरनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस और एक स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि इस टक्कर में लगभग एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिवान में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी बस और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक दर्जन बच्चे और स्कॉर्पियो सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दामोदर गाँव के एक प्राइवेट स्कूल का बस रोज की तरह बच्चों को लाने के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। बस जतौर बाजार के पास पहुंची थी कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो सवार घायलों ने जिले के जीरादेई के बांसोपाली गांव से यूपी के बलिया सभी बारात गए थे। आज वो लोग बारात से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सुबह कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से सामने से आ रही स्कूल बस से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार बाराती भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में स्कॉर्पियो सवार तीन लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। वहीं स्कूल बस में सवार कुल 30 बच्चों में से लगभग एक दर्जन बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद स्कूली बच्चे काफी डरे सहमे हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और डायल 112 की टीम पहुंची। सभी ने बच्चों को बस से बाहर निकाला और पास के PHC में भर्ती कराया। हादसे में घायल हुए स्कूली बच्चों की पहचान कर ली गई है। इसमें रोमक मिश्रा, ईश्वर आदर्श कुशवाहा, भिकेश मिया, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्थ शर्मा, जिग्नेश पटेल, पुत्र मधु, प्रिंसी कुमारी शामिल हैं। इन सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे को लेकर गुठनी थाना प्रभारी ने कहा है कि स्कूल बस और स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई है। एक दर्जन के आसपास स्कूली बच्चों को मामूली चोट लगी है। वहीं स्कॉर्पियो में सवार तीन चार लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों का इलाज पास के PHC में चल रहा है। तो देखिए, बिहार के सिवान में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में स्कूल बस और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो देखिए, बिहार के सिवान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक स्कूल बस और एक स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। आपको बता दें कि लगभग स्कूल बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। वहीं स्कॉर्पियो पर सवार तीन व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फोरनेशन।